हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग आउट ऑफ द क्रैडल इन लेस्ली रॉकिंग, जो कि वॉल्ट विटमैन की काफ़ी फेमस पोएम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो में कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आउट ऑफ द क्रैडल इन लेस्ली रॉकिंग इज ए पोएम रिटन बाय ए ग्रेट अमेरिकन 19th century पोएट वॉल्ट विटमैन, मतलब वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा हुआ वन ऑफ द मतलब काफ़ी फेमस पोएम है, जो कि एक महान अमेरिकन 19th century के पोएट वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ वन ऑफ वॉल्ट विटमैन्स कॉम्प्लेक्स एंड इन्फ्लुएंशियल पोएम। कॉम्प्लेक्स इट मीन्स जटिल, और इन्फ्लुएंशियल इट मीन्स प्रभावित करती है जो, ठीक है, दूसरों को। तो वैसी पोएम है। द पोएम इज टाइप ऑफ एन इलेजी मॉर्निंग द डेथ ऑफ समवन डियर, ठीक है। पोएम एक तरह से इलेजी है। इट मीन्स इलेजी मतलब क्या होता है ना, दुखद पोएम, जो किसी के डेथ पे गाई जाए वैसा कुछ पोएम है। मॉर्निंग द डेथ ऑफ समवन डियर, और मतलब शोक है एक तरह से किसी समवन डियर, इट मीन्स कोई आपका बहुत जब प्रिय आदमी जो होता है ना, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस चीज़ का शोक व्यक्त किया गया है इस पोएम के थ्रू। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज पोएट्री कलेक्शन लिप्स ऑफ ग्रास, पहली बार इस पोएम को उनके पोएट्री कलेक्शन लिप्स ऑफ ग्रास में पब्लिश करवाया गया था अंडर द टाइटल ए वर्ड आउट ऑफ द शी, और उस टाइम जो है इस पोएम का टाइटल था ए वर्ड आउट ऑफ द शी, इन 1860 में करवाया गया, ठीक है। एंड लेटर पब्लिश्ड इन 1871, और फिर इसको 1871 में पब्लिश करवाया गया यूजिंग द फाइनल टाइटल, या फाइनल टाइटल इट मीन्स आउट ऑफ द क्रेडल इन लेस्ली रॉकिंग टाइटल यूज करके इसको 1871 में पहली बार पब्लिश करवाया गया। द पोएम इज एड्रेस टू एन अननोन लिस्नर और ऑडियंस, पोएम में जो व्याख्या की गई है उस मतलब एक अननोन लिस्नर ऑडियंस या फिर स्पीकर की गई है। माइट बी टॉकिंग टू सेल्फ, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो स्पीकर जो खुद से बात कर रहा है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट और ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस पोएम। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी मतलब एक तरह से वॉल्ट विटमैन से रिलेटेड पोएम है। लाइक द मोस्ट ऑफ वॉल्ट विटमैन पोएम, ज्यादातर जो वॉल्ट विटमैन का जो पोएम होता है, वॉल्ट विटमैन का जो पोएम होता है, आउट ऑफ द क्रेडल इन लेस्ली रॉकिंग इज ऑल्सो रिटन इन फ्री वर्स, इसको भी फ्री वर्स में लिखा गया। इट मीन्स किसी भी तरह का एक स्पेसिफिक राइम स्कीम मीटर ये फॉलो नहीं करता पोएम। द पोएम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के जो कवि हैं वॉल्ट विटमैन, ठीक है, वॉज एन अमेरिकन पोएट, वो एक अमेरिकन पोएट है। अब हम पहले हम लोग पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पोएट का पढ़ रहे हैं। अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स, फ्री वर्स के फादर के रूप में भी जाने जाते हैं। ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के डेथ पे हूम वॉल्ट विटमैन ग्रेटली एडमायर्ड, जिसमें वॉल्ट विटमैन बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, और बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना एडमायर्ड, प्रभावित थे। ही रोट हिज वेल नोन पोएम, तो उस टाइम जब मतलब अब्राहम लिंकन की डेथ हुई, तो वॉल्ट विटमैन जो कि उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उनकी प्रशंसा करते थे, तो उस टाइम वो एक पोएम लिखे जो कि काफ़ी फेमस हुई, ओ कैप्टन माई कैप्टन, जिसपे कि ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। काफी फेमस पोएम है वॉल्ट विटमैन के, जो कि अब्राहम लिंकन की डेथ पे वो लिखे थे। हिज वर्स कलेक्शन लिप्स ऑफ ग्रास फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855, पहली बार उनके वर्स कलेक्शन लिप्स ऑफ ग्रास को 1855 में पब्लिश करवाया गया, इज अ लैंडमार्क, और एक लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, अमेरिका की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क, इट मीन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क के रूप में जाना जाता है। फिर आगे ड्रम स्टेप्स एंड डेमोक्रेटिक विस्टाज ऑल्सो इज हिज वेल नोन वर्क, ये सब भी जो है ड्रम स्टेप्स और डेमोक्रेटिक विस्टा, ये भी काफ़ी उनका फेमस वर्क है, ठीक है। द पोएम इज अबाउट ए यंग बॉय, पोएम एक यंग बॉय इट मीन्स एक युवा लड़के के बारे में है, ठीक है। ऑन बॉय वॉकिंग ऑन द बीच, जो कि वॉक कर रहा है, टहल रहा है बीच पे, हु फाइंड्स टू मॉकिंग बर्ड, जिसको कि दो मॉकिंग बर्ड्स इट मीन्स एक गाने वाली चिड़िया होती है अमेरिका की, तो वो अमेरिका की में ही पाई जाती है, तो वही मिलती है बीच पे, नेस्टिंग एंड वॉचेस देम, वो क्या करता है उसको देखता है, ठीक है। द फीमेल बर्ड्स फेल्स टू अपीयर वन डे, और एक दिन क्या होता है ना, फीमेल बर्ड जो होती है ना वो वहाँ मतलब आ नहीं पाती है एक दिन, एंड द मेल बर्ड्स क्राइज आउट फॉर हर, और जो मेल बर्ड होता है वो उसके लिए रोता है, एंड द यंग बॉय सपोज टू बी वॉल्ट विटमैन, और ऐसा माना जाता है कि वो जो यंग बॉय है वो पोएट खुद है वॉल्ट विटमैन है। अब आगे, व्हेन वॉल्ट विटमैन वाज ए स्मॉल बॉय, जब वॉल्ट विटमैन स्मॉल छोटे थे, ही लिव्ड इन लॉन्ग आइलैंड, वो एक लंबे आइलैंड पे रहते थे, टू बर्ड्स माइग्रेटेड देयर फ्रॉम अलबाना, मतलब से दो बर्ड्स वहां पे, दो मतलब चिड़िया जो होती है ना पक्षी, वो आई हुई थी, दे मेड ए नेस्ट
वेयर द फीमेल बर्ड ब्रूडर ओवर 4 लाइट ग्रीन एग्स. तो वो लोग पहले तो घोंसला बनाते हैं और उसके बाद फीमेल बर्ड जो है ना उस मतलब पौधा घर उस घोंसले में 4 लाइट ग्रीन एग, लाइट ग्रीन कलर का, हल्का ग्रीन कलर का 4 अंडे देती है स्पॉटेड विथ ब्राउन, जो कि स्पॉटेड इट मीन्स जिससे ब्राउन कलर का थोड़ा धब्बा धब्बा सा रहता है. ग्रीन कलर का एग है लेकिन ब्राउन कलर का स्पॉटेड इट मीन्स धब्बा धब्बा सा है एग पे. द मेल बर्ड केप्ट वॉच ओवर इट्स मेट बाय रिमेनिंग क्लोज टू नेस्ट. मतलब मेल बर्ड क्या करता था कि घोंसले के आसपास रहकर ही ना घोंसले की देखभाल करता था और अपने फीमेल बर्ड की भी. द फीमेल बर्ड वॉज साइलेंट. फीमेल बर्ड साइलेंट है, हर आइज ब्राइट विथ जॉय. उसकी आंखें में मतलब एक उसकी आंखें चमकीली है लेकिन वो खुशी से भरी हुई है एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैचिंग यंग वंस, क्योंकि उसको मतलब अपने अंडे को सेकना है. तो इन सब वजह से जो है ना फीमेल बर्ड जो है वो काफ़ी खुश है. द यंग बॉय वॉचिंग इट, और ये जो छोटा बच्चा ये सारी चीज़ों को देख रहा है विथ क्रियोसिटी. क्रियोसिटी इट मीन जिज्ञासा भरे नज़रों से मतलब देख रहा है. He was absorbing the mystery of creation. वो मतलब creation it means रचना का रहस्य को देख रहा है, कैसे एक को वो मतलब जो बर्ड है वो हैच कर रही है मतलब शेक रही है उसमें से फिर बेबी बर्ड आएगा. तो यही सब वो देख रहा है, absorb कर रहा है यंग जो बॉय है. द बर्ड अपील टू द सन. बर्ड जो है बर्ड्स जो है पक्षी जो है ना सन से अपील करते हैं टू सेड वार्म्थ एंड फैसिलिएट द हैचिंग ऑफ देयर एग, कि अपना वार्म्थ इट मीन्स गर्मी जो होता है ना सूर्य फैलाता है ना तो वो क्या करे वो एग के ऊपर फैलाए और जैसे क्या उसको हेल्प मिले एग को गर्म रखने में. ठीक है कि सन जो है अपनी रोशनी एग के ऊपर डाले ताकि जो मतलब एग है जिसको गर्म रखना जरूरी है तो उस पर वो सन का वार्म्थ पड़े गर्मी पड़े. द बर्ड्स आर सो होपफुल फॉर देयर फ्यूचर. अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी होपफुल इट मीन्स खुश हैं मतलब आशा रखते हैं. दैट द विंड्स रिवर्स एंड माउंटेन सीम्स टू बी सिंकिंग टू देम. और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विंड्स इट मीन्स हवाएं नदियां माउंटेन सभी उसके लिए गा रही है. ठीक है बट सडनली लेकिन अचानक से द फीमेल बर्ड वॉज मिसिंग. फीमेल बर्ड क्या होता है क्या होती है हो जाती है. परहैप्स समबडी हैज किल्ड इट, या तो ये हो सकता है कि कोई उसको मार चुका है. She did not come back to her nest. वो अपने घोंसला वापस नहीं आती है. From that time और उस समय से the male bird's sad song heard across the sea. Male bird का sad song सुनने को मिलता है मतलब नदी पूरा समुद्र के पार तक. The calm sky lit by the full moon. मतलब पूरा जो शांत स्काई है जिसमें कि मतलब चांद की रोशनी बिखरी हुई है उस वहाँ से भी सिर्फ अब मतलब मेल बर्ड का सैड सॉन्ग ही सुनाई दे रहा है. फ्रॉम बुसेस ऑफ बर्ड्स मतलब वहाँ जो झाड़ियाँ हैं जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं वहाँ से भी सैड सॉन्ग का आवाज़ आ रहा है मेल बर्ड का. ऑल नेचर्स विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द बर्ड्स ग्ली. और सारा नेचर प्रकृति जो उस समय बर्ड्स के मतलब ग्ली इट मीन्स खुशी में पार्टिसिपेटेड यानी पार्टिसिपेट किया था उसका साथ दिया था. नाउ सीम टू इको द मेल बर्ड्स बिटर गोनी. और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब अब इको बन गए. इट मीन्स नहीं होता है रिटर्निंग जो आवाज़ आ रहा है इको तो वही बन गए. और वो जो मेल बर्ड जो रो रहा है अपनी फीमेल बर्ड के नहीं आने पे उस चीज़ का मतलब एक तरह से कड़वा दुख प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है बिटर जो दुख होता है ना वो प्रेजेंट कर रहा है. द बॉय हियर्ड एवरीथिंग. बॉय सारा कुछ देख रहा है अब्जॉर्ब कर रहा है एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द पेन एंड अगोनी ऑफ द सेपरेशन ऑफ द ही बर्ड. और वो समझ सकता है ही बर्ड के सेपरेशन अगोनी कष्ट दुख को क्योंकि वो शुरू से सब कुछ देख रहा है कि कैसे बर्ड्स लोग आए वहाँ रहे और कैसे वो खुश थी और फिर एक दिन मेल बर्ड फीमेल बर्ड नहीं आती है. द लेमेंटेशन ऑफ बर्ड्स टच्ड हिम डीपली. और यही बर्ड का जो दुख है ना उसको बहुत अंदर तक टच करता है उस बॉय को. द बॉय एंड द मेल बर्ड डिडंट हैव एनी क्लू अबाउट द वेयर अबाउट ऑफ द फीमेल बर्ड. ठीक है ना ही उस लड़के को कुछ पता है ना ही जो मेल बर्ड है उसको कुछ पता है कि वो जो फीमेल बर्ड है वो कहाँ है उसको लेके कोई क्लू नहीं है. देन द सी गैव हिंट्स. तभी वहाँ पे एक जो समुद्र होती है ना उनको एक हिंट्स देती है टू द बॉय बॉय को. द वर्ड फाइनल एंड सुपीरियर. एक फाइनल और सबसे बड़ा वर्ड टू ऑल सबसे बड़ा डिलीशियस वर्ड भी बोला गया डेथ. ठीक है तो यहाँ पे डेथ वर्ड का एक हिंट देती है कौन सी समुद्र देती है. दिस क्लूज एंड पेनफुल सॉन्ग ऑफ द. और यही जो संकेत और ये जो पेनफुल सॉन्ग ऑफ द ही बर्ड मार्क द बिगनिंग ऑफ हिज पोएटिक करियर. मतलब यही सब सुनने के बाद है ना क्या होता है वॉल्ट व्हिटमैन जो यंग थे उस एज में ये सब देखने के बाद यहाँ से उनके पोएटिक करियर की शुरुआत होती है. ठीक है ही वॉज इनलाइटेंड बाय द ट्रूथ दैट डेथ इज द फाइनल डेस्टिनी
ऑफ एनी क्रिएचर्स, ठीक है। यहाँ पर से वो इस चीज़ से अवगत हो जाते हैं क्या कि जो इस सत्य से कि जो डेथ होता है ना, मृत्यु, वो किसी भी इंसान का, किसी भी क्रिएचर्स, इट मीन्स जीव का, वो फाइनल डेस्टिनी यानी भाग्य है। डेथ रॉक द क्रेडल ऑफ लाइफ इंडस्ट्री, डेथ शो द पोएम इज एन इलेजी। पोएम एक तरह से इलेजी है, दुखद पोएम है, बाय द मेल वर्ड, एक मेल वर्ड के द्वारा, इन द डेथ ऑफ इज स्वीट हार्ट, जो कि उसके स्वीट हार्ट इट मीन्स प्रिया के डेथ पे बनाई गई है। एज एन इलेजी, एक इलेजी के रूप में, दिस पोएम फॉलोइंग फीचर्स, इस पोएम के जो फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया। डेथ ऑफ समवन डियर वन, मतलब समवन डियर वन, किसी अपने प्रिय की मृत्यु को दिखाया गया। हेयर द डेथ ऑफ द फीमेल बर्ड, और यहाँ पे जो फीमेल बर्ड का डेथ दिखाया गया एज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पोएम, पोएम के मेन सब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया, ठीक है, मेन विषय पोएम का यही है। द नेचर टू माउंट ऑन द डेथ, नेचर भी क्या कर रहा है उनके डेथ पे, उसके डेथ पे शोक मना रहा है इन दिस पोएम। इस पोएम में द सी इज रेस्टलेस, और सी भी, समुद्र भी रेस्टलेस हो गया है। एंड द मून इज लैगिंग वेरी लैगिंग बिहाइंड ऑन द सेपरेशन, और मून भी काफी, चांद जो काफी सुस्त पड़ गया है उन लोग के अलग होने की वजह से, ऑफ द लविंग बर्ड्स, उन दोनों लविंग बर्ड्स के, मतलब कपल के अलग होने से। द माउनर लेमेंट्स, एंड जो मतलब रो रहे हैं वो मतलब अपना दुख व्यक्त करते हैं। रिकॉल्स द पास्ट हैप्पीनेस, और पास्ट के पुराने चीज़ों को याद करते हैं हैप्पीनेस को। एंड द स्पीकर टेल्स अस, और स्पीकर भी हम लोग को बताता है अबाउट द पास्ट हैप्पी सिचुएशन, पास्ट का जो खुशी वाला सिचुएशन था उसके बारे में, ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स के। एज ऑलमोस्ट ऑल द इलेजी हैज द कंसोलेशन थ्रू द रियलाइजेशन डेट दैट इज द फाइनल, तो सारा जो भी इलेजी होता है ना, दुखद टाइप का जो पोएम होता है, उसका आखिरी में यही निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष के साथ खत्म होता है कि इंसान जो है ना, इंसान का जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है, रियलाइजेशन होता है, वो डेथ होता है। एंड द सुपीरियर, और सबसे सुपीरियर होता है। दिस पोएम टू हैज द एंडिंग विद द पोएट एंड द अलोन बर्ड रियलाइजिंग, और यह पोएम भी उसी चीज के साथ खत्म होता है कि पोएट को रियलाइज हो जाता है, और उस अलोन अकेले बर्ड को द फाइनल ट्रूथ ऑफ द डेथ, डेथ का फाइनल ट्रूथ पता चल जाता है कि एट द एंड सबके, कोई भी क्रिएचर हो उसके साथ यही होना है। थ्रू द दिस इलेजी, इस इलेजी के जरिए वॉल्ट विटमैन प्रेजेंट्स हिज एटीट्यूड टुवर्ड डेथ, डेथ को लेके अपने रवैये, एटीट्यूड को प्रेजेंट करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ ही वर्ड, ही वर्ड के माध्यम से। फॉर वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन के लिए क्या होता है ना, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, डेथ लाइफ का एंड नहीं है, नॉट मीन्स कि डेथ हो गया तो लाइफ खत्म हो गई, बट द बिगनिंग ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ, लेकिन लाइफ का अनदर, दूसरे फॉर्म का बिगनिंग है, शुरुआत है, मतलब दूसरे रूप में अब लाइफ का शुरुआत होगा। इट इज ट्रू, यह सत्य है, दैट डेथ इज सुपीरियर, डेथ सुपीरियर है एंड फाइनल, और अंत में फाइनल है, सबका यही होना है परिणाम। येट इट कैन मेक्स अस एंटर अनदर फेज ऑफ लाइफ, और क्या होता है बट फिर भी क्या होता है, इस वजह से हम लाइफ के दूसरे फेज में एंटर करते हैं। द बॉडी डाइज, शरीर मर जाता है, बट द सोल कंटिन्यूज इन अनदर फॉर्म, लेकिन जो आत्मा है वो दूसरे फॉर्म में हमेशा रहती है। विद दिस बिलीफ, इस बिलीफ के साथ, विश्वास के साथ, ही हैज प्रेजेंटेड द इलेजी ऑफ ही बर्ड, वो मतलब ही बर्ड की इलेजी, मतलब दुख को प्रेजेंट करते हैं। हुज मेट इज गॉन, जिसका कि मेट इट मीन्स साथी, उसके साथ नहीं है। एंड येट ही हैज होप, और फिर भी उसको आशा है, दैट हर लाइफ हैज कंटिन्यू एल्सवेयर, कि उसकी लाइफ कहीं ना कहीं आगे कंटिन्यू होगी, ठीक है। इन द डस्की स्पॉट इन द मून, और मून में वो थोड़ा धब्बा दिखना, डस्की स्पॉट देखना, ही गेसेस दैट हिज बिलव्ड इज देयर, मतलब यहाँ जो मेल बर्ड है वो गेस करता है कि उसकी जो फीमेल बर्ड है वो वहीं मून के साथ है, मून के पास है, ठीक है। सो ही रिक्वेस्ट मून, मून से रिक्वेस्ट करता है नॉट टू कीप हर अवे, कि उसको उससे दूर ना ले जाए, फ्रॉम हिम, उससे मतलब दूर ना जाए उससे। ही इवन होप्स, वह यह भी आशा करता है, दैट हिज बिलव्ड विल राइज एट द साइनिंग स्टार्स, कि साइनिंग स्टार्स इट मीन्स चमकते हुए तारों के साथ उसका बिलव्ड भी राइज इट मीन्स निकलेगा। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त द सी और लैंड विल गिव हिम बैक हिज मेट, मतलब सबको उसको प्रतीत हो रहा है ना कि सब जगह उसका मेट है, मीन साथी है, जो फीमेल बर्ड है वो हर जगह है, मून में दिखाई देता है, स्टार्स में, शी में, लैंड में, हर जगह। ऑल दिस रिक्वेस्ट मेड टू द मून, ये जो सारा रिक्वेस्ट किया गया है मून से, लैंड से, सी से, स्टार्स से, प्री सपोजेस द कंटिन्यूएशन, मतलब एक कंटिन्यूएशन इट मीन्स के रूप में सपोज किया जा रहा है इसको, ऑफ लाइफ, लाइफ का समवेयर इन अनदर फॉर्म, इट मीन्स जो फीमेल बर्ड की डेथ हो गई है उसका लाइफ अनदर फॉर्म में, कोई दूसरे फॉर्म में कहीं और उनका लाइफ
कंटिन्यू होगा। दस इस प्रकार द थीम ऑफ दिस पोयम इज द कनेक्शन बिटवीन ग्रीफ एंड द आर्ट, एक रचना और ग्रीफ दुख के बीच के कनेक्शन को दिखाता है। ठीक है, कैसे इंसान मतलब कैसे मतलब दिखाया जा रहा था कि एक को सेक रही थी मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, वहां पोएट समझने की कोशिश कर रहे थे एंड एट द एंड लाइफ का क्या होता है, इंसान मर जाता है। तो आर्ट और ग्रीफ दोनों दुख और मतलब कला दोनों को दिखाया जा रहा था। इट डिपिक्ट्स द या व्याख्या करता है द ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ द बॉय, बॉय के ग्रोइंग प्रोसेस को बताता है फ्रॉम इमैच्योरिटी टू मैच्योरिटी थ्रू हिज लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ लव ऑफ द बर्ड्स। ठीक है, बॉय क्या होता है कि वो सब देखने के बाद जो वो देखा उस एज में, मतलब बर्ड्स को अलग होते हुए, अंडे को अपने आप एग को सेकते हुए, तो ये क्या होता है ना, बॉय को उसके इमैच्योरिटी से मतलब जो नासमझ जो बच्चा है उसको मैच्योरिटी की ओर ले जाता है थ्रू हिज लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब लाइफ इट मीन सामने देख के वो जो एक्सपीरियंस कर पा रहा है ऑफ द लव ऑफ द बर्ड्स, मतलब बर्ड्स के लव के थ्रू एंड द डेथ ऑफ वन बर्ड, और एक बर्ड का जो डेथ हो गया उन सब चीज के थ्रू जो एक्सपीरियंस कर पा रहा है। तो ये बॉयज के मतलब इमैच्योरिटी से मैच्योर होने का एक मतलब प्रोसेस दिखाता है। एनी पीस ऑफ आर्ट इज क्रिएटेड थ्रू फ्रस्ट्रेशन, कोई भी आर्ट का जो पीस होता है ना फ्रस्ट्रेशन में ही क्रिएट किया जा सकता है, मीन्स दुख में, शोक में, जैसे वॉट विटमैन मोस्टली करते हैं, जैसे ये भी दुख में ही ये पोएम बनाया गया, चाहे ओ कैप्टन माई कैप्टन हो वो भी दुख में बनाया गया। तो कोई भी आर्ट का जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट पीस होता है ना वो मतलब फ्रस्ट्रेशन में ही क्रिएट किया जाता है। डेथ ओनली रिलीजेज अस फ्रॉम सच फ्रस्ट्रेशन, और डेथ ही एक ऐसा फाइनल एट द एंड हम लोग को वर्ड मिलता है जो कि हम लोगों को क्या करता है, इस तरह के फ्रस्ट्रेशन, शोक से, दुख से, एक निराशाजनक लाइफ से आजाद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोएम खत्म हो जाती है। पोएम अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।